हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 सिल्क रूट, जिसके राइटर हैं निक मिडलेटन। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग। देखो गाइस, फ्लॉलेस का मतलब होता है बेदाग। और आपने नोटिस किया होगा कि ये जो ऑन द मॉर्निंग है, इसकी जगह इन द मॉर्निंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑन द मॉर्निंग भी सही है। तो इसलिए हम फ्लॉलेस का मतलब होता है बेदाग, हाफ मतलब आधा, एक बेदाग आधा चांद जो है फ्लोट कर रहा था, यानी तैर रहा था इन परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग। आधा बेदाग चांद मॉर्निंग में सुबह सुबह नीले आसमान में तैर रहा था। ये किसने कहा? निक मिडलेटन ने कहा, जो इस चैप्टर के राइटर हैं। वी सेड आवर गुड बाय, हमने सबको गुड बाय कहा। एक्सटेंडेड बैंक ऑफ क्लाउड, बैंक ऑफ क्लाउड यानी क्लाउड, क्लाउड का झुंड। बैंक होता है वैसे तो किनारा होता है, पर क्लाउड ऑफ, बैंक ऑफ क्लाउड है तो यहाँ पर बादलों का झुंड कह सकते हैं। लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स, लोब्स देखो गाइस ब्रेड को कहते हैं। ब्रेड ये लोब्स ऐसी होती हैं, ये स्लाइस में नहीं होती, जो हमारे घर पर ब्रेड आती है वो स्लाइस में होती है, पर लोब जो होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंडेड बैंक ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स ग्लोड पिंक्ड, कि जो बादलों के जो झुंड थे वो ग्लो कर रहे थे पिंक, गुलाबी कलर का, एज द सन इमर्ज्ड, जैसे जैसे सूरज राइज हो रहा था। इमर्ज का मतलब होता है राइज, इमर्ज का लिख लो राइज, इमर्ज का मतलब होता है राइज, उगय, उदय होना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बादलों का झुंड है वो जब सुबह सुबह सूरज उग रहा था, तो वो झुंड जो है वो बादलों का पूरा पिंक कलर ग्लो कर रहा था। टू स्पेस द डिस्टेंस माउंटेन टॉप्स विथ रोज टिंटेड प्लस, और जब ये पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था सूरज, तो पूरा आसमान में लालिमा छाई हुई थी। नाउ दैट वी वर लीविंग राबू, अब राबू क्या है? राबू एक प्लेस का नाम है। तो यहाँ पर राइटर निक मिडलेटन कहते हैं, आप कुछ देर के लिए, जब तक मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे ही निक मिडलेटन समझ लीजिए, ठीक है? ओके, नाउ वी वर लीविंग राबू, अब हम राबू को छोड़ रहे थे। राबू प्लेस का नाम है जहाँ पर वो रुके हुए थे, और वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं हम। लामो सैड, लामो, लामो एक लड़की का नाम है जो भी, जो इसमें पार्टिसिपेट की हुई है। लामो सैड सी वॉन्टेड टू गिव मे फेयरवेल प्रेजेंट, लामो ने कहा कि वो हमें एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। वन इवनिंग, एक शाम, आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल आई, और यहाँ पर राइटर निक मिडलेटन कहते हैं, यानी मैं कहता हूँ कि एक शाम मैंने उसे डैनियल से कहवाया था दैट आई वॉज हीडिंग टुवार्ड माउंट कैलाश टू कम्प्लीट द कोरा। देखो गाइस, यहाँ कोरा का मतलब होता है परिक्रमा, जैसे किसी मंदिर में लोग जाके परिक्रमा करते हैं, मूर्ति के चारों तरफ घूमते हैं, उसे परिक्रमा कहते हैं, तो इसे वहाँ की लैंग्वेज में कोरा कहते हैं। तो यहाँ पर राइटर जी कहते हैं कि मैंने डैनियल से कहवाया था लामो को। अब डैनियल कौन है? डैनियल उनका साथी है। किसका? निक मिडलेटन का, यानी मेरा साथी है। दैट मैंने उसे डैनियल से कहवाया था लामो को, डैनियल से मैंने लामो को कहवाया था, क्या कहवाया था? कि हम माउंट कैलाश की ओर जाएंगे कोरा करने के लिए, क्या करने के लिए? परिक्रमा करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए हम माउंट कैलाश पे जाएंगे। एंड सी डिड सैड, और उसने कहा दैट आई ओट टू गेट सम वार्मर क्लोथेज, और लामो ने कहा था कि हमें कुछ गर्म कपड़े भी ले जाने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इंटू हर टेंट, देखो गाइस यहाँ डकिंग बैक का मतलब होता है क्विकली गो इन इंटू टेंट देन आउट, किसी भी, कोई टेंट है उस टेंट में जल्दी से जाना फिर जल्दी से वापस आना ही डकिंग बैक है। यहाँ पर हमें लिख देता हूँ क्विकली गोइंग इंटू टेंट देन आउट। यहाँ पर कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं, यानी मैं कह रहा हूँ, आफ्टर डकिंग बैक इंटू हर टेंट, लामो के टेंट में जल्दी से जाने और वापस आने के बाद, सी मस्ट कैरी वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव सिपकिन कोट्स। देखो भाई, सिपकिन कोट वो कोट होते हैं जो बकरी के या खाल से बनी होती है, बकरी के या के चमड़े से बनी होती है कोट, उसे सिपकिन कोट कहते हैं। तो यहाँ बताते हैं निक मिडलेटन की उन्होंने अपने साथ कुछ सिपकिन कोट भी लेकर आई।
दैट ऑल द मेन वो, जैसे कि वहाँ के निवासी लोग पहनते हैं, सीटन सीटन, इसे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर सीटन एक नया कैरेक्टर है, सेटन जो है वो राइडर का ड्राइवर है। तो सीटन साइज मी अप, साइज मी का मतलब होता है लुक, लुक पे लिख लो गाइस, लुक मतलब देखना। सेटन ने मुझे देखा एज वी क्लाइम्बर्ड इन टू हिज कार, क्लाइम्बर मतलब होता है चढ़ना होता है। पर यहाँ पर जब वो राइडर जो है वो कार में जा रहे थे, तब सेटन ने मुझे देखा और कहा, ही डिक्लेयर्ड, ड्रोगबा सर, ड्रोगबा, ड्रोगबा वहाँ के निवासी होते हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं, ठीक है। तो सेटन ने कहा कि ये सिपकिन कोट पहनकर आप एकदम ड्रोगबा लग रहे हो सर। वी टूक ए शॉर्ट कट टू गेट ऑफ चांगटैंग, हमने चांगटैंग जाने के लिए, चांगटैंग कहो या चांगटांग कहो, एक चाइनीज़ लैंग्वेज है या तिब्बती लैंग्वेज है ये, हमने चांगटैंग जाने के लिए शॉर्टकट लिया। सेटन ने न्यू ए रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, सेटन जो है न्यू मतलब जानता था, सेटन न्यू ए रूट एक रास्ता जानता था दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट से था ऑलमोस्टली डायरेक्टली टुवार्ड माउंट कैलाश, और वो एकदम ठीक ठीक माउंट कैलाश की ओर ले जाता था। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन, और इस रास्ते में बहुत सारे सेवरली यानी बहुत सारे फेयरली हाई माउंटेन, कुछ छोटे बड़े पहाड़ भी थे, पासेस हमने उन्हें पास करने पड़ते थे, पास करने पड़ेंगे। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, सेटन ने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। ही एश्योर्ड अस, उसने हमें आश्वासन दिया, इफ देयर इज नो स्नो, सेटन यह कहता है कि अगर सर वहाँ में कोई दिक्कत नहीं होगी इस पहाड़ों वाले रास्ते में, अगर वहाँ बर्फ नहीं हुई तो। वॉट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क, मैंने पूछा यानी निक मिडलेटन ने पूछा कि वहाँ किस तरह का माहौल है यानी वहाँ किस तरह का एरिया है। नॉट नोइंग सर, सेटन ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, अनटिल वी गेट देयर, जब वहाँ होंगे तो खुद जान जाना। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राहू, देखो भाई जेंटली रोलिंग का मतलब होता है जैसे कोई आपको दिखाता हूँ एक पैन ला के, जैसे कोई ये पहाड़ है, हिल है, तो इसमें जो रास्ता बना हुआ है तो इसके चारों ओर घूम घूम कर जो रोड गई हुई है ना, ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक, ऐसे 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 ऊपर तक जाए, उसे जेंटली रोलिंग कहते हैं। तो हमने राबू जो इलाका था, जो पहाड़ी थी, उसके हमने रोलिंग रोलिंग करते करते गए।